नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS Access में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को समझने वाले हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जिसका यूज रिलेशनशिप के साथ किया जाता है। MS Access के प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेशनशिप बनाना सीखा था। जब हम कोई डेटाबेस बनाते हैं उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होती है। दो या दो से अधिक टेबल को आपस में लिंक करने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए रिलेशनशिप का यूज किया जाता है। आज की वीडियो में हम रिलेशनशिप के साथ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को यूज करना सीखने वाले हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमारे डेटा को एक्सीडेंटली चेंज से और एक्सीडेंटली डिलीट होने से बचाते हैं। यदि हमें एक अच्छा डेटाबेस बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस बनाना है, तो रिलेशनशिप के साथ हमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को जरूर यूज करना चाहिए। तो पहले हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का इंट्रोडक्शन समझते हैं, इसके टाइप समझते हैं, उसके बाद MS Access सॉफ्टवेयर पर हम सभी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स को प्रैक्टिकली यूज करना भी सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का, समझते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती क्या है। रेफरेंशियल मतलब होता है रेफरेंशियल, किसी अदर टेबल का एड्रेस, किसी अदर टेबल का रेफरेंस। और इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, मतलब हमें एक ऐसा डेटाबेस बनाना है, एक ऐसी रिलेशनशिप बनानी है जिसमें डेटा को आसानी से ना बदला जा सके। हमारा जो डेटा होगा, हमारे जो टेबल में डेटा भरा गया है उसमें हमें इंटीग्रिटी सेट करनी है, मतलब हमारा डेटा आसानी से डिलीट ना किया जा सके, हमारे डेटा को आसानी से चेंज ना किया जा सके। उसके लिए हम अप्लाई करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के रूल्स को। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का उपयोग रिलेशनशिप के साथ किया जाता है। जब हम दो या दो से अधिक टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं उसके साथ हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को भी यूज कर सकते हैं। जब दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है तब फर्स्ट टेबल मास्टर टेबल होती है और सेकंड टेबल सब टेबल होती है। मतलब जब दो टेबल में रिलेशनशिप बनती है तो पहली टेबल को हम बोलते हैं मास्टर टेबल और सेकंड टेबल को हम बोलते हैं सब टेबल। इसी प्रकार से फर्स्ट टेबल को पेरेंट टेबल भी कहा जा सकता है और दूसरी टेबल को चाइल्ड टेबल भी कहा जा सकता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रिलेशनशिप में कुछ रूल्स को डिफाइन करती है। जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है इसके द्वारा हम रिलेशनशिप में कुछ रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, कुछ नियम अप्लाई कर सकते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के द्वारा डेटा को एक्सीडेंटली चेंज या एक्सीडेंटली डिलीट होने से सिक्योर किया जाता है। यदि हम अपने डेटा में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स अप्लाई कर देते हैं तो हमारा डेटा आसानी से चेंज नहीं हो सकता है, आसानी से डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स अप्लाई करने पर फर्स्ट टेबल में किसी रिकॉर्ड को चेंज या डिलीट करने पर वह रिकॉर्ड सेकंड टेबल से ऑटोमेटिक डिलीट या चेंज हो जाता है। जब हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रिलेशनशिप पर अप्लाई कर देते हैं तो हमारी जो फर्स्ट टेबल होती है मेन टेबल होती है, यदि हम उसमें किसी रिकॉर्ड को चेंज करते हैं या उसमें किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो वह चेंजेस या डिलीट ऑटोमेटिक सेकंड टेबल मतलब चाइल्ड टेबल पर भी हो जाते हैं। तो दो टेबल के बीच में जब रिलेशनशिप बनाई जाती है उस रिलेशनशिप के साथ हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हमारा डेटा आसानी से चेंज नहीं होगा, आसानी से डिलीट नहीं होगा। और यदि हम अपनी मेन टेबल से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, मेन टेबल से किसी रिकॉर्ड को बदलते हैं तो वह ऑटोमेटिक सब टेबल से भी चेंज या डिलीट हो जाता है। यहाँ पर अब हमने टाइप्स ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स को लिखा हुआ है। पहला रूल्स होता है एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यह रूल्स यह सेट करता है कि यदि हमने पहली टेबल में किसी रिकॉर्ड की एंट्री नहीं करी है तो उस रिकॉर्ड की एंट्री सेकंड टेबल में नहीं की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, हमारी एक टेबल है एडमिशन टेबल, दूसरी है हमारी एग्जाम टेबल। जब तक किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड की एंट्री एडमिशन टेबल में नहीं की जाएगी तब तक उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड की एंट्री एग्जाम टेबल में नहीं की जा सकती है। यह रूल्स अप्लाई करती है एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब जब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बन जाएगी तो किसी भी रिकॉर्ड की एंट्री पहले हमें फर्स्ट टेबल में करनी पड़ेगी, उसी के बाद हम उस रिकॉर्ड की एंट्री सेकंड टेबल में कर सकते हैं। तो जो पहले इंटीग्रिटी रूल्स है वह यह सेट करती है कि किसी भी रिकॉर्ड को पहले हमें फर्स्ट टेबल में एंटर करना होगा, उसी के बाद हम उस रिकॉर्ड की एंट्री सेकंड टेबल में कर सकते हैं। सेकंड जो रूल्स है वह है कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स।
मतलब यदि हम फर्स्ट टेबल से किसी रिकॉर्ड का डेटा चेंज करते हैं, किसी रिकॉर्ड की वैल्यू को अपडेट करते हैं, तो वह रिकॉर्ड ऑटोमेटिक सेकंड टेबल से भी अपडेट हो जाता है। हमारी जो मेन टेबल है, यदि हम मेन टेबल में किसी स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक वह रोल नंबर सेकंड टेबल में भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक का डेटाबेस है, बैंक का, यहाँ पर हमने एक अकाउंट डिटेल नाम की टेबल बनाई है और एक हमने बैलेंस की टेबल बनाई है। अकाउंट डिटेल टेबल में यदि हम अकाउंट नंबर को चेंज करेंगे तो बैलेंस टेबल में अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने इंटीग्रिटी रूल्स लगाया है, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड। और जो लास्ट रूल्स है हमारा, वह है कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। मतलब यदि हम फर्स्ट टेबल से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो वह रिकॉर्ड ऑटोमेटिक सेकंड टेबल से भी डिलीट हो जाता है। तो यह होते हैं इंटीग्रिटी के तीन रूल्स, जिनको हम एमएस एक्सेस में प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। फर्स्ट रूल्स यह सेट करता है कि जब तक किसी रिकॉर्ड की एंट्री फर्स्ट टेबल में नहीं की जाएगी, तब तक उस रिकॉर्ड की एंट्री सेकंड टेबल में नहीं की जा सकती है। सेकंड रूल यह सेट करता है कि यदि हम फर्स्ट टेबल से किसी रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे तो वह रिकॉर्ड ऑटोमेटिक सेकंड टेबल से भी अपडेट हो जाएगा। और थर्ड रूल यह सेट करता है कि यदि हम फर्स्ट टेबल से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो वह रिकॉर्ड ऑटोमेटिक सेकंड टेबल से भी डिलीट हो जाता है। तो अभी हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का इंट्रोडक्शन समझा और तीनों प्रकार के रूल्स का इंट्रोडक्शन समझा। अब चलते हैं एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर पर और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को प्रैक्टिकली यूज करना सीखते हैं। तो अब हम एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहाँ पर हमने एक डेटाबेस बनाया है स्कूल नाम से, और इस डेटाबेस में हमारी दो टेबल है। एक है एडमिशन टेबल। एडमिशन टेबल में स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है और स्टूडेंट की क्लास है। इसी प्रकार से हमने सेकंड टेबल बनाई है एग्जाम टेबल, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है और स्टूडेंट के तीन सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इन दोनों टेबल में रिलेशनशिप को बनाना सीखा था, रिलेशनशिप को क्रिएट करना सीखा था। हमारी इन दोनों टेबल में ऑलरेडी रिलेशनशिप बनी हुई है। तो यदि आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें रिलेशनशिप का नॉलेज होना चाहिए कि रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट की जाती है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रिलेशनशिप बनाना सीखा था। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनी हुई है। एडमिशन टेबल में जो रोल नंबर है, इसकी रिलेशनशिप हमने बनाई थी एग्जाम टेबल के रोल नंबर से। यदि हम एडमिशन टेबल में किसी भी स्टूडेंट के इस प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहीं से हमें एग्जाम टेबल का डेटा भी शो किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे सभी रिकॉर्ड एक टेबल से दूसरी टेबल में लिंक किए गए हैं रिलेशनशिप के द्वारा। अब हम इस रिलेशनशिप पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अप्लाई करने वाले हैं। तो एडमिशन टेबल में हमारे जो रिकॉर्ड हैं उसमें है रोल नंबर 100, 101, 102 और 103, मतलब 100 रोल नंबर से लेकर 103 रोल नंबर तक की एंट्री हमने एडमिशन टेबल में करी है, और इन्हीं रिकॉर्ड की एंट्री हमने एग्जाम टेबल में करी है सेकंड टेबल में। अब हम इन दोनों टेबल की रिलेशनशिप पर इंटीग्रिटी रूल्स को अप्लाई करने वाले हैं। जब आप एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तब भी आप इंटीग्रिटी रूल्स लगा सकते हैं, और यदि आपकी टेबल्स में रिलेशनशिप पहले से बनी है तो भी आप इंटीग्रिटी रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप को यूज करने के लिए अब हम डेटाबेस टूल्स टैब को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिलेशनशिप्स, हम रिलेशनशिप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारी रिलेशनशिप इन दोनों टेबल में पहले से बनी हुई है, क्रिएट है, मतलब हम रिलेशनशिप में चेंजेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम रिलेशनशिप लाइन पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट रिलेशनशिप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यदि आपकी दोनों टेबल में रिलेशनशिप नहीं बनी है, हम थोड़ी देर के लिए इस रिलेशनशिप को डिलीट कर देते हैं। तो यदि आपकी दोनों टेबल में रिलेशनशिप नहीं बनी है तो पहले आपको फर्स्ट टेबल की कॉमन फील्ड को ड्रैग करना है और सेकंड टेबल की कॉमन फील्ड पर लाकर ड्रॉप कर देना है। इससे आपके सामने एडिट रिलेशनशिप की विंडो आती है। यहाँ से आप क्रिएट बटन पर क्लिक करके रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। जब रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं या रिलेशनशिप को एडिट करते हैं तब हमारे सामने
एडिट रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स आता है, जिसमें हमें नीचे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के तीनों टाइप दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं जो पहला इंटीग्रिटी रूल्स है वह होता है एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जब तक आप इस फर्स्ट इंटीग्रिटी रूल्स को यूज नहीं करेंगे, ऑन नहीं करेंगे, तब तक आप अदर दोनों इंटीग्रिटी रूल्स को यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से फर्स्ट वाले इंटीग्रिटी रूल्स को ऑन किया है, जो कि होता है एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसके बाद हम रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है और हमने इस पर एक इंटीग्रिटी रूल्स भी अप्लाई कर दिया है। अब हम कंट्रोल एस से इस रिलेशनशिप को सेव करते हैं और रिलेशनशिप डिजाइनिंग को क्लोज करते हैं। अब यदि हम एग्जाम टेबल में, मतलब सेकंड टेबल में, जो हमारी सेकंड टेबल है, इसमें कोई न्यू रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं, तो हमें एक एरर मैसेज शो किया जाएगा। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर एक रिकॉर्ड एंटर करने वाले हैं। हमने एक नया रिकॉर्ड एंटर किया है, रोल नंबर 104, जिसमें हम स्टूडेंट को कुछ मार्क्स भी दे रहे हैं। जैसे ही हमने इस रिकॉर्ड को कंप्लीट किया, हमारे सामने एक एरर मैसेज शो हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है यू कैन नॉट एड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन द टेबल एडमिशन। मतलब जब तक किसी रोल नंबर की एंट्री हम एडमिशन टेबल में नहीं करेंगे, तब तक उस रोल नंबर की एंट्री एग्जाम टेबल में नहीं की जा सकती है। मतलब जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेगा, तो पहले उसकी एंट्री एडमिशन टेबल में की जाएगी, उसके बाद ही उसकी एंट्री एग्जाम टेबल में की जा सकती है। हम डायरेक्ट एग्जाम टेबल में एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स को यहाँ पर अप्लाई किया है। अब यदि हमें नए रिकॉर्ड की एंट्री करनी है, तो पहले हम एडमिशन टेबल में उस रिकॉर्ड की एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक एंट्री करी है, रोल नंबर 104, नाम दिया है राजू, और फॉर एग्जांपल यह स्टूडेंट डीटीपी क्लास का है, तो एडमिशन टेबल में एंट्री हो गई है रोल नंबर 104 स्टूडेंट की। अब यह एंट्री हम एग्जाम टेबल में भी कर सकते हैं। जब तक एडमिशन टेबल में किसी रिकॉर्ड की एंट्री नहीं की जाएगी, तब तक वह एंट्री एग्जाम टेबल में नहीं हो सकती है। यह होता है पहला इंटीग्रिटी रूल्स, जिससे हमारी पहली टेबल में जब तक रिकॉर्ड को एंटर नहीं किया जाता है, तब तक हम सेकंड टेबल में रिकॉर्ड की एंट्री नहीं कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं इंटीग्रिटी का सेकंड रूल्स। तो फिर से हम सेलेक्ट करेंगे डेटाबेस टूल्स टैब को, रिलेशनशिप को सेलेक्ट करेंगे, एडिट रिलेशनशिप को ओपन करने के लिए रिलेशनशिप लाइन पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। अभी हमने इंटीग्रिटी के फर्स्ट रूल्स को ऑन किया था, इनेबल किया था, अब हम इसके साथ सेकंड रूल को भी इनेबल करने वाले हैं, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड। जब तक आप फर्स्ट वाली इंटीग्रिटी रूल्स ऑन नहीं करेंगे, तब तक आप सेकंड और थर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट वाली पहले ही ऑन कर दी थी, अब हम सेकंड इंटीग्रिटी रूल्स ऑन करने वाले हैं, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं और कंट्रोल एस से किए गए चेंजेस को सेव करते हैं, रिलेशनशिप डिजाइनिंग को क्लोज करेंगे। अब यदि हम एडमिशन टेबल में किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर बदलते हैं, आप देख सकते हैं एडमिशन टेबल में रोल नंबर हमारे 100 से लेकर 104 तक हैं और एग्जाम टेबल में भी रोल नंबर हमारे 100 से लेकर 104 तक हैं। अब यदि हम एडमिशन टेबल में किसी स्टूडेंट का रोल नंबर, फॉर एग्जांपल हमने 100 रोल नंबर को कर दिया 1000, जो हमारा पहला स्टूडेंट था जिसका रोल नंबर 100 था, उसको चेंज करके हमने किया है 1000। जो चेंजेस हमने एडमिशन टेबल में करे हैं, वह चेंजेस ऑटोमेटिक एग्जाम टेबल में भी हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमने एडमिशन टेबल में रोल नंबर बदला, तो वह ऑटोमेटिक एग्जाम टेबल में भी बदल गया है। एग्जाम टेबल में भी 100 की जगह 100 की जगह जो रोल नंबर है वह 1000 कर दिया गया है। तो यह होता है इंटीग्रिटी का सेकंड रूल्स, जो कि फर्स्ट टेबल में चेंजेस करने पर, बदलाव करने पर ऑटोमेटिक सेकंड टेबल में भी कर देता है। यदि हम यहाँ पर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर करते हैं 5000, हमने दिनेश का रोल नंबर कर दिया है 5000, तो यह 5000 रोल नंबर ऑटोमेटिक एग्जाम टेबल में भी चेंज हो जाता है। यह होता है इंटीग्रिटी का सेकंड रूल्स। हम टेबल को क्लोज करते हैं और इंटीग्रिटी का तीसरा रूल्स लगाना सीखते हैं। इसके लिए फिर से हम डेटाबेस टूल स्टेप को सेलेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप को एडिट करने के लिए लाइन पर राइट क्लिक करते हैं, एडिट रिलेशनशिप को सेलेक्ट करते हैं। अब हम इंटीग्रिटी का तीसरा रूल्स भी अप्लाई करने वाले हैं। तो हमने यहाँ से इस ऑप्शन को इनेबल किया है,
कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, मतलब यदि फर्स्ट टेबल से किसी रिकॉर्ड को डिलीट किया जाएगा तो वह रिकॉर्ड ऑटोमेटिक सेकंड टेबल से भी डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल एस से चेंजेस को सेव करते हैं, रिलेशनशिप डिजाइनिंग को क्लोज करते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि हमारे दोनों टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। एडमिशन टेबल में रोल नंबर 101 है, 102 है, 104 है, 1000 है, एक हमारा रिकॉर्ड है 5000। इसी प्रकार से एग्जाम टेबल में हमारा 101 है, 102 है, 104 है, 1000 है और 5000 है। अब यदि हम एडमिशन टेबल से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एडमिशन टेबल से रोल नंबर 1000 वाले रिकॉर्ड को डिलीट किया, तो यह रिकॉर्ड ऑटोमेटिक एग्जाम टेबल से भी डिलीट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मैसेज शो किया जा रहा है डिलीटेड। यदि हम एग्जाम टेबल में कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो वह ऑटोमेटिक एडमिशन टेबल में डिलीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम टेबल से रोल नंबर 5000 को डिलीट करते हैं, आप देख सकते हैं हमने एग्जाम टेबल से रोल नंबर 5000 को डिलीट कर दिया, लेकिन एडमिशन टेबल से वह डिलीट नहीं हुआ है क्योंकि एग्जाम टेबल डिपेंड है एडमिशन टेबल पर। लेकिन यदि हम एडमिशन टेबल से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, अब हम एडमिशन टेबल से रोल नंबर 101 को डिलीट कर रहे हैं, जैसे ही हम इसे एडमिशन टेबल से डिलीट करेंगे यह हमारा एग्जाम टेबल से भी डिलीट हो जाता है। तो यह होता है इंटीग्रिटी का थर्ड रूल्स, जो कि फर्स्ट टेबल से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने पर सेकंड टेबल में ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। तो यह होते हैं इंटीग्रिटी के तीन रूल्स, जो कि हमारे डेटा को एक्सीडेंटल चेंजेस से, एक्सीडेंटल डिलीट होने से बचाते हैं। और साथ ही साथ फर्स्ट टेबल में यदि कोई चेंजेस किए जाते हैं, किसी रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है, तो वह ऑटोमेटिक सेकंड टेबल में भी हो जाते हैं। आज की वीडियो में हमने एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप के साथ इंटीग्रिटी रूल्स को अप्लाई करना सीखा। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।